शरीर के कुछ अंगों का हिलना या थरथराना ये पार्किंसन बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। मैं डॉक्टर नितिन कुमार गुप्ता, न्यूरोफिजिशियन मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर, आज आपसे पार्किंसन रोग के बारे में बात करूंगा। ये बीमारी थोड़ा 50 से अधिक उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है, उस लिहाज से उम्र को एक पार्किंसन के लिए खतरा कहा जा सकता है। इसके अलावा जो पुरुषों में है थोड़ा इसका जो प्रचलन या इस बीमारी का है वो महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। यह बीमारी सामान्यतः आनुवंशिक नहीं होती है, एक्सेप्ट कि कुछ बहुत ही दुर्लभ किस्म के यंग ऑनसेट पार्किंसंस होते हैं या जेनेटिक फॉर्म ऑफ पार्किंसंस होते हैं उनके अंदर ये वंशानुगत हो सकती है, बट वो बहुत ही दुर्लभ होता है, सामान्यतः ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है। आपको अगर शरीर में इस तरह के लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि धीमापन आना, डेली रूटीन में जड़ता का आना, हाथ पैरों में धीमापन, जड़ता, कंपन का होना, बैलेंस की दिक्कत होना, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, क्योंकि जितना आप जल्दी दिखाएंगे वो आगे तक के लिए बेहतर रहेगा, आपको समय पे उपचार इसका मिल पाएगा। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये जो दवाइयां हैं सो शुरू में बहुत प्रभावी होती हैं, तो व्यक्ति को ये लगता है कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो जितना जल्दी आप डायग्नोसिस बनाएंगे, जितना इसका आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जितना इस बीमारी के बारे में जानेंगे, ये अपने लिए बहुत अच्छा होगा। पार्किंसन बीमारी में जो मुख्य रूप से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है वो आती है स्लोनेस से, धीमेपन से। उसकी लाइफ में जो भी उसको दैनिक दिनचर्या अपनी पूर्ण करनी होती है या ऑफिस वर्क करना होता है उसमें धीमापन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, जैसे बोलने में दिक्कत आना, वॉल्यूम का कम हो जाना, हाथों से अब रोटी तोड़ने में टाइम लगना, तोड़ ली तो उठाने में टाइम लगना, नॉब्स जो गेट के जो हैंडल है उनको हैंडल करने में, चाबी हैंडल करने में दिक्कत आना, इसके अलावा लिखने में दिक्कत आना, चलने में दिक्कत आना, चलने में जो स्टेप्स होते हैं वो बेबी स्टेप्स होने लगते हैं, मतलब दोनों स्टेप्स के बीच का गैप कम हो जाता है, छोटे छोटे स्टेप में आदमी चलता है, आगे की तरफ झुकने लगता है, या वो जब भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसको एक गिरने का डर लगा रहता है। इसके अलावा जो सोशली एम्बेरेसिंग या हम बोलेंगे सामाजिक रूप से जो एक आदमी को एक शर्म झेलनी पड़ती है वो होती है कंपन की वजह से, क्योंकि इसमें आदमी का हाथ बिल्कुल जो कंपन होता है, जो मूवमेंट होता है वो सामाजिक रूप से कोई भी नहीं चाहता कि वो सोशल गैदरिंग्स में हो। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को बहुत ट्रबल करती हैं, बहुत दिक्कत करती हैं। इसके अलावा जो पार्किंसन में है कि जैसे कि टंग का मूवमेंट भी कम हो जाता है, तो लार का अत्यधिक लार आना इसका एक लक्षण होता है जो परेशान करता है। इस तरह से बहुत सारे अन्य लक्षण भी हैं, जैसे कि नींद का न आना या नींद आए तो भी दिन में ऐसा लगना कि मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं है नींद से। व्यक्ति को कब्जी भी रहना, कब्जी का रहना बहुत ही इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, इनफैक्ट ये बहुत सालों पहले डेवलप हो जाता है। इस तरह से दिनचर्या को बहुत गहरे से इसको प्रभावित करता है। पार्किंसन का जो मरीज होता है उसे शुरू के कई सालों तक, लगभग 8-10 सालों तक किसी भी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है। इसकी जो पार्किंसन की जो लेट अवस्था है उसमें केयर गिवर्स की एजुकेशन, उसका पार्टिसिपेशन, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि व्यक्ति को असिस्टेंस चाहिए होती है चलने में, फिरने में, उसको टर्न लेने में। उसे डर लगा रहता है कि मैं गिर ना जाऊं, और रिकरेंट फॉल्स का भी इसमें रिस्क रहता है। तो परिवार का दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनको इस बीमारी को बुढ़ापे से अलग सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सोचेंगे कि हर चीज़ एज की वजह से है तो वो उस चीज़ को इतना महत्व नहीं देंगे, और वो बड़ा मुश्किल होता है
एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है इस पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार के बीच में, अगर उस चीज़ को एज से रिलेट कर दिया जाए। इसलिए परिवार को ये समझना होगा कि जो व्यक्ति को जो परेशानी आ रही है वो एज या उसकी स्वेच्छा से नहीं है, ये बीमारी का प्रभाव है और वो व्यक्ति मजबूर है, और तभी वो आपस में एक तालमेल बैठ पाता है। इसके अलावा जो केयर में जो स्पेशली होती है, फॉल का रिस्क हमें बहुत प्रिवेंट करना होता है। पार्किंसन बीमारी का मरीज जिस रूम में रहता है उसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना रखें, उसको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करें, या जहाँ से वो गुजरते हैं वहाँ पर हैंडल्स हम लगवाएं, प्रॉपरली लिटन रूम होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो दवाइयों के बारे में पता होनी चाहिए पार्किंसन की फैमिली को, कि कैसे देनी है, कब देनी है, पार्किंसन में ऑन पीरियड क्या होता है, ऑफ पीरियड क्या होता है, क्योंकि ये डॉक्टर इस चीज़ को हमेशा डिसाइड नहीं कर सकता। परिवार की जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि ये दवा इस टाइम लेने से ये 3-4 घंटे एक्टिव रहेंगे, तो इस दौरान उनको पूरा सपोर्ट करें, उनका खाना पीना नहाना जो भी उनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है उस दौरान उसको नियोजित करें। तो इस तरह से एजुकेशन से हम बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो दवाइयों का बेनिफिट दे सकते हैं, और परिवार का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब परिवार जानेगा कि ये दवा अब काम कर रही है, अब इसका पीक है, इस टाइम ये मूवमेंट इस वजह से हो रहे हैं, तो वो सेल्फ एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं पार्किंसन बीमारी में एक लेवल पे आ जाता है। और परिवार अगर इस बारे में जागरूक और सुशिक्षित रहेगा तो हम बहुत डॉक्टर और परिवारजन मिलके इन पार्किंसन के मरीज़ को बहुत ही बेहतर हम एक लाइफ दे पाएंगे।